किस प्रकार से यातायात अभियान चलाया जा रहा है? अभी शहर में लिंक रोड पे पूरे शहर में गोल बाजार, सदर बाजार, इधर जितने माल हैं यहाँ पे दो पहिया, चार पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, कार वगैरह या बुलेरो गाड़ियाँ ये जो भी हैं, ये गलत जगह पे लोग खड़ी कर देते हैं, खड़ी करके लाग करके चले जाते हैं। जो तो वो मोटरसाइकिलें जो नो पार्किंग जगह पे खड़ी रहती हैं, व्यवस्थित खड़ी रहती हैं, रोड जिनसे ब्लॉक होता है, तो उन मोटरसाइकिलों को व्हीकल लिफ्टर क्रेन है हमारे पास, उस क्रेन से उठा करके लाते हैं यहाँ पे थाने में, और यहाँ लाने के बाद में यहाँ वाहन स्वामी आने के बाद उसके कागजात की चेकिंग करके और उसके बाद उनको नो पार्किंग की कार्रवाई करके, यातायात नियम उल्लंघन नो पार्किंग कार्रवाई करके फाइन करके छोड़ा जाता है। जो और बाकी व्हीकल इमोबिलाइजर जो लगता है, ये आपका दो पहिया चार पहिया वाहनों में, तो इनके भी वाहन स्वामी आते हैं, आ करके वो भी कागजात चेक कराते हैं, कागजात चेक कराने के बाद फाइन पटाते हैं, फाइन पटाने के बाद उनका लाख खोला जाता है। वो इनको फिलहाल कागजात सही होने पे 400 रुपये का समन शुल्क काटा जाता है। जो सर गोल बाजार मार्ग पर सड़क के किनारे दुकान छोटे से ठेला लगे रहते हैं, उसके ऊपर कैसे? ठेला वालों के खिलाफ कार्रवाई यही है, ठेला वालों को वहाँ से हटवा देते हैं, और हटवाने के अलावा और अभी तो ठेला वालों के खिलाफ पुलिस के पास ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, फाइन वगैरह काटने की या कुछ भी ऐसा नहीं है। पहले था पुलिस एक्ट में कार्रवाई होती थी, 34 पुलिस एक्ट में चालान होता था, अब तो वो खत्म हो गया है, तो अभी ठेला वगैरह को निकलवा देते हैं, बाजार से हटवा देते हैं, बस यही इतना करते हैं। जो ये ना भाई, 2 मिनट वाइट कर रहा था यार सागर, फोन ऊपर फोन कर रहा है। आपको प्रॉब्लम है और अगर आप बस में जाते हो, मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ, मैं बस में नहीं जाता हूँ। अगर समस्या ये है कि आप मेरे को बताइए कि वहाँ पर महाराज एक घंटा वहाँ खड़े रहते हो, आपने अभी जाने के लिए कर दिया मेरा एक घंटे बस वहाँ, मैं वहाँ पर रोज ट्रैफिक में फंसता हूँ वहाँ पर। आपको क्या बोलते हैं, आप बस स्टैंड चले जाइए, बस स्टैंड में देखिए वहाँ पर ट्रैफिक, ऑटो वाले कैसे रहते हैं, तुम्हें गाड़ी करते ही है, कोई पता नहीं है, एक घंटे बस नहीं रुकी, ठीक है? और रोज मेरे को जो ऑफिस में लेट होता है, मेरा जो उच्च अधिकारी है वो मेरे को बोलता है कि तुम लेट क्यों हो रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा उसको वहाँ पर, मैं बोलूंगा कि वहाँ पर ट्रैफिक वाले को तुम थोड़ी कर दिन लेट हो रहा हूँ, यही बोलो, और अगर सस्पेंड कर देगा तो आना नहीं है। अभी शहर में लिंक रोड पे पूरे शहर में गोल बाजार, सदर बाजार, इधर जितने माल हैं यहाँ पे दो पहिया चार पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, कार वगैरह या बुलेरो गाड़ियाँ ये जो भी हैं, ये गलत जगह पे लोग खड़ी कर देते हैं, खड़ी करके लाग करके चले जाते हैं। जो तो वो मोटरसाइकिलें जो नो पार्किंग जगह पे खड़ी रहती हैं, व्यवस्थित खड़ी रहती हैं, रोड जिनसे ब्लॉक होता है, तो उन मोटरसाइकिलों को व्हीकल लिफ्टर क्रेन है हमारे पास, उस क्रेन से उठा करके लाते हैं यहाँ पे थाने में, और यहाँ लाने के बाद में यहाँ वाहन स्वामी आने के बाद उसके कागजात की चेकिंग करके और उसके बाद उनको नो पार्किंग की कार्रवाई करके, यातायात नियम उल्लंघन नो पार्किंग कार्रवाई करके फाइन करके छोड़ा जाता है। जो और बाकी व्हीकल इमोबिलाइजर जो लगता है, ये आपका दो पहिया चार पहिया वाहनों में, तो इनके भी वाहन स्वामी आते हैं, आ करके वो भी कागजात चेक कराते हैं, कागजात चेक कराने के बाद फाइन पटाते हैं, फाइन पटाने के बाद उनका लाख खोला जाता है। और इनको फिलहाल कागजात सही होने पे 400 रुपये का समन शुल्क काटा जाता है। जो सर गोल बाजार मार्ग पर सड़क के किनारे दुकान छोटे से ठेला लगे रहते हैं, उसके ऊपर कैसे कार्रवाई? ठेला वालों के खिलाफ कार्रवाई यही है, ठेला वालों को वहाँ से हटवा देते हैं, और हटवाने के अलावा और अभी तो ठेला वालों के खिलाफ पुलिस के पास ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, फाइन वगैरह काटने की या कुछ भी ऐसा नहीं है। पहले था पुलिस एक्ट में कार्रवाई होती थी, 34 पुलिस एक्ट में चालान होता था, अब तो वो खत्म हो गया है, तो अभी ठेला वगैरह को निकलवा देते हैं, बाजार से हटवा देते हैं, बस यही इतना करते हैं। जो ये ना भाई, 2 मिनट वाइट कर रहा था यार सागर, फोन ऊपर फोन कर रहा है। आपको प्रॉब्लम है और अगर आप बस में जाते हो, मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ, मैं बस में नहीं जाता हूँ। अगर समस्या ये है कि आप मेरे को बताइए कि वहाँ पर महाराज एक घंटा वहाँ खड़े रहते हो, आपने अभी जाने के लिए
नहीं है।